शास्त्रे तृतीय वर्ष परम लघु मंजूषा योग्यता निरूपणम योग्यता च परस्परान्वय प्रयोजक धर्मवत्वम तेन पैसा सिंचति इति वाक्यम योग्यम अस्ति च सेकान्वय प्रयोजक द्रवयत्व योग्यता जले करणत्वेन जलान्वय प्रयोजकादि करणत्वम योग्यता सेक क्रियायाम अतएव बहिना सिंचति इति वाक्यम अयोग्यम बहने सेकान्वय प्रयोजक द्रव द्रष्टव्यत्वाभावात् एतादृश स्थलेषु बहिना सिंचति इत्यादिषु नान्वयबोधः योग्यता ज्ञान रूप कारणा भाव इत्यर्थ जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मलक्षणं प्रधाने त्रिगुणेति व्याप्त इत्याशंक्य चेतनो हि नाम रूपे बुद्धा बालिक्य घट इति नामना कंबुग्रीवादिना रूपेण च बाह्यं घटं निष्पादयति पूर्व भावे करोति क्रियां प्रति जनकत्वा संभवात् क्रिया जनकत्वं रूपं कारकत्वं घटसेन स्याद् इति तद्भावः तथा मनु स्मृति कथयति विप्रवृत्त्या दिचित्तस्थं न बहिस्थं बकजा कथाचन स्वप्न भ्रम मदादेशु सर्वैरेवानुभूयते भ्रमे ज्ञानाकारकस्यैव विषये आरोप इति सिद्धान्तादिदं रजता इति भ्रमस्थलेपि सनिकृष्टं बौद्धं ज्ञानाकारं रजतं विहाया सनिकृष्ट दूरस्थ जता द्यारोपे नामाभावः तदाह दृष्टमधुना नास्तीति स्वरूपतो बोध्या अनुभवस्यानुपत्तेश्च तदा योग्यता विषयकं शाब्दबोध उपपाद्य योग्यता ज्ञानस्य शाब्दबोधकारणत्वेव खण्डयितुं पराक्रमते उपहासना पतस्येति बहिना सिञ्चतेति वाक्यात् योग्यता ज्ञानभावेन शाब्दबोधाभावे वाक्यार्थ ज्ञान पूर्वकर्मद्रव्येन बहिना कथं सेकम् ब्रवीखीत्युपहार व्यंजकत्व वाक्य मेव न प्रयुज्येत तत्कर्णस्य वाक्यार्थ ज्ञानस्य योग्यता ज्ञान भावत्वेन तन्मत्वेन भावात् इति तद्वाक्य अयोग्यहार सनाधिपत्ये भावः प्रत्युत अतएव मुखम चंद्रमित्यादो मुखम चंद्रमित्याकार के
बाद निश्चय युगता ज्ञानाभावेपि चा भेद बोधा भेद रूप अलंकारम इत्यालंकारिका आहु अस्य छोनिपते पराधमर्या लक्ष्मीकृता संख्याया एक बंधा सुतो याति त्यादिभ्यश्च अस्य यागः क्रियते प्रार्थादिकसंज्ञका लक्ष्म्या इति बोध्यम्।